अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्थान ब्रह्मा कुमारी जयपुर सब जोन द्वारा महासमर्पण समारोह आयोजित किया गया। यहाँ पर एक साथ 23 बाल ब्रह्मचारिणी बहनों ने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया। त्याग, तपस्या और निस्वार्थ सेवा से सृष्टि में परिवर्तन की दिशा में किस तरह कार्य किया जा सकता है, इसका ज्ञान राजयोग के प्रभाव से हुआ। इससे जिंदगी का नज़रिया ही बदल गया। अब इसी दिशा में अपना जीवन समर्पित कर मानवता को बुराइयां और कुरीतियों से दूर ले जाना जीवन का संकल्प बन गया है। इसी भाव से 23 बाल ब्रह्मचारिणी बहनें आध्यात्मिक को अपना जीवन समर्पित कर रही हैं। 30 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्थान ब्रह्मा कुमारी जयपुर सब जोन द्वारा महासमर्पण समारोह का आयोजन इसी कार्य के लिए किया गया। जयपुर गुलाबी नगरी के लिए गौरव की बात है। 23 कन्याएं, शिव प्रियाएं अपना ये जीवन, संपूर्ण जीवन परम पिता परमात्मा शिव के लिए न्योछावर कर रही हैं, समर्पित कर रही हैं। दुनिया में आपने विवाह तो बहुत देखे हैं, परिवारों में रचे हैं, रचाए हैं और उसके आप गवाह बने हैं, लेकिन ये अलौकिक विवाह जहाँ स्वयं ये शिव प्रियाएं उस परम पिता परमात्मा शिव के लिए समर्पित होके विश्व कल्याण के निमित्त बन रही हैं, इनका एक ही लक्ष्य है कि हम अपना जीवन समर्पित कर पूरे विश्व का, भारत तो है ही है लेकिन संपूर्ण विश्व का कल्याण करें, और उसमें भी विशेष आप सोचेंगे क्या कल्याण करें, मुख्यतः जीवन श्रेष्ठ बनाए। आध्यात्मिक जीवन ही सच्चा जीवन है जिसमें मौलिक गुण है। हमारी भारत की संस्कृति तो शुरू से महान रही है और उसमें पवित्रता, श्रेष्ठता, चरित्र की बात हमेशा आती रही है। कहा जाता है अगर चरित्र महान है तो सब कुछ है। हमारी भारत की संस्कृति कहती है नर श्री नारायण हो, नारी श्री लक्ष्मी हो, तो ऐसी देव संस्कृति पुनः भारत भूमि पर हम ला सकें उसके निमित्त ये कन्याएं कहूँ, ये शिव प्रियाएं कहूँ, ये शिव शक्तियां कहूँ, अपना जीवन समर्पित कर रही हैं। सौभाग्य के दिन है, 23 बहनें अपना जीवन ईश्वर के लिए समर्पित अर्पित करने जा रही है, शिव की इसकी शक्तियाँ जयपुर की इस धरती का सौभाग्य है। मैं कहना चाहूँगा लौकिक जीवन में हमारी बहनें होती है कितने, 2-3-4 भाई होते होंगे, 2-3 मामा होते होंगे, ये माता पिता होते हैं, लेकिन आज यहाँ पर जो रूहानियत है जब ईश्वर के लिए समर्पित जीवन होता है तो हजारों भुजाएं खड़ी हो जाती है। कितने मामा है यहाँ पर, जो भोजन बन रहा है वो भी सब कोई पेड एम्प्लॉय भोजन नहीं बना रहे हैं, सब समर्पित लोग अपना भोजन बना रहे हैं। भगवान की याद में बनाया गया भोजन, भगवान की याद में परोसा गया भोजन और भगवान की याद में ग्रहण किया गया भोजन ब्रह्म कुमारी द्वारा पूरी दुनिया को एक संदेश है शांति का, सतयुग की स्थापना का, और समर्पण जीवन का लक्ष्य बन जाए, समर्पण ही जीवन बन जाए, यही ब्रह्म कुमारी से हम सब ने सीखा है और ये जन जन की प्रेरणा बने भारत
फिर से जो है सतयुग हो और पूरा देश जो है पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है इस समय और हमारा पूरा देश विश्व गुरु की तरफ जाए, ऐसी मैं योगी मनीष बहुत बहुत बधाई के साथ में आपका आभार करता हूँ कि आप इस दैवीय यज्ञ को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद। खुशी की बात है, हमारी अलौकिक बहनें जो 23 बहनें हैं जो ईश्वरी सेवा समर्पित हो रहे हैं, हम उनके लिए कुछ विशेष तोहफा देना चाहेंगे। तो इसलिए हम भाइयों ने विचार किया है कि हम चारों भाई मिलके उनके लिए विशेष एक हम डांस करके उनको एक तोहफा देंगे, जो बहुत अच्छा डांस है जो कि वंदे मातरम के ऊपर है और वो हमारी बहनें वंदे मातरम हैं जो कि देश की सेवा के लिए सेवा कर रही है, तो हम उनके लिए ये बहुत बड़ा हमारा एक तोहफा है। ओम शांति। की तरफ से 23 कन्याओं का आत्मसमर्पण है, पूरे विश्व के लिए एक संदेश है, खास जयपुर से, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, समर्पण दिवस है। 23 बहने आज समर्पण किया है, अभी जस्ट शपथ हुई है और पूरे देश के लिए नहीं तो पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है कि आज ये समर्पण दिवस बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ जयपुर के अंदर मनाया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी अपने आप में एक परमात्मा का दूसरा नाम है और आबू रोड को ले लो या किसी छोटे सेंटर को ले लें, वहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमें जो बाबा ने दिया है वो साक्षात यहाँ पे है और वो उसका पूरा कर रही है सारी सारी बहनें। आज हमारा सौभाग्य है, राजस्थान का सौभाग्य है, भारत का सौभाग्य है कि 23 बहनें हमको हमारे कुटुंब में और मिली हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से बाबा को प्रणाम करता हूं और बाबा को नमन करते हुए, सभी दीदियों को नमन करते हुए, मैं जो बहनें आई हैं उनके उज्जवल भविष्य की और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बाबा का आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर और बाबा इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। आज का जो समय है, युवाओं की गति किसी और दिशा में जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक बार जो आदमी ब्रह्मा कुमारी के अंदर आ जाता है उसके बाद वो गति उल्टी हो जाती है। जिस गति से हमारे आज के युवा नेगेटिविटी से चल रहे हैं, अगर उनको एक बार यहाँ पे आने का मौका मिल जाता है तो उनको अपनी जिंदगी समझ में आती है और परमात्मा का अर्थ क्या है वो समझ में आता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि एक बार हर युवा को हमारे किसी भी सेंटर के अंदर आएँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे वैशाली नगर का जो म्यूजियम है, एक बार उसको देख ले, उसके बाद वो गति वहीं रुक जाएगी और वो रिवर्स गति से परमात्मा की तरफ चलने लग जाएगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है, ये मैं परमात्मा के ऊपर अटूट आस्था के साथ कह रहा हूँ।